अंबाला की मोहड़ा अनाज मंडी में आज भारतीय किसान यूनियन चडूनी द्वारा किसान महासभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में हरियाणा और पंजाब के हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। वहीं इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी और दूसरे नेताओं ने सर छोटू राम की जयंती के अवसर पर उनको पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हालांकि आज किसानों द्वारा रेल का चक्का जाम करने का प्रोग्राम भी था, लेकिन रेलवे ने पहले ही अपने केस वापस लेने का फैसला लिया था और कल गृह मंत्री अनिल विज के आश्वासन के बाद आज किसानों द्वारा रोड जाम करने का निर्णय बदल दिया गया। वहीं चडूनी ने कहा कि आज की महाजनसभा के बाद किसान अपनी बची हुई मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। उनकी जयंती है और आज 2 साल पूरे हो गए हैं उस दिन को, जिस दिन हम यहां से बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ कूच किया था, बड़ा आंदोलन शुरू किया था और आज यहाँ पे सर छोटू राम की जयंती भी मना रहे हैं और वो दिन भी मना रहे हैं। तो जो हमने ऐलान किया था रोड जाम करने का, हरियाणा के केस वापस नहीं हुए थे और उसके पहले ट्रेन जाम करने का प्रोग्राम किया था क्योंकि रेलवे केस वापस नहीं हुए थे, वो दोनों मांगे केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने मान ली हैं और आज का जो प्रोग्राम है आज केवल सभा करके और सर छोटू राम की जयंती मना के और 2 साल की बरसी मना के आज ज्ञापन देंगे केंद्र सरकार के नाम और स्टेट सरकार के नाम, जो हमारी बकाया मांगे हैं जिनमें MSP का कानून बनाना, जिनमें लखीमपुर वाला केस शामिल है और जो BT की परमिशन दे रहे हैं सरसों में वो है, किसानों के कर्जा मुक्ति की मांग है, जो बीमा क्लेम देते हैं उसका टाइम बाउंड करने की मांग है और इस तरह की सभी मांगे जो हैं मुश्तरका मालकान जमीनों को मालकान हक किसानों को दें, इन सभी मांगों का ज्ञापन आज मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम दिया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री JP दलाल के बयान पर गुरनाम सिंह चडूनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री पर गंभीर आरोप जड़े और सरकार से कृषि मंत्री को बदलने की मांग की। जो है वो हमारी बदकिस्मती है कि उनको मंत्री पद दे दिया गया है, वो जो है वो काबिल नहीं है उसके और हर बार उनका बयान आता है हम धान बिकवाने की बात करते हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं खरीदेंगे और फिर खरीदा भी, ये जूते भी खाते हैं ये गठे भी खाते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो काबिल नहीं है और हम BJP का जो नेतृत्व है उससे ये दरख्वास्त करेंगे कि जो काबिल नेतृत्व है उसको आगे लाएं, जो निकम्मे हैं उनको निकाल के बाहर कर दें। गौर हो कि आज जहां किसानों ने किसान आंदोलन के 2 साल पूरे होने पर महाजनसभा का आयोजन किया, वहीं गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार से बची हुई मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। पंजाब KSU TV के लिए अम्बाला से कृष्ण बालिक की रिपोर्ट।